हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी समर अप्रोप्रिएट या सिंपल वाला मेकअप लुक आप इसको डे टाइम मेकअप लुक कर सकते हो अगर आपने कुछ भी वैसे हल्का फुल्का मेकअप करना है तो एक्चुअली आज मैंने अपनी दो चार वीडियो शूट करनी थी तो मेरा मन था मैं कोई सिंपल वाला मेकअप लुक करू तो बस वही मैंने शूट कर लिया आउटफिट की बात करूँ तो मैंने फर्स्ट टाइम डाला है वैसे मैंने इसका हॉल ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था आई थिंक ये फ्लिपकार्ट का आउटफिट था आई थिंक मैंने आपको ये फ्लिपकार्ट हॉल में दिखाया था आ, लिंक मैं आपको डाल दूंगी उस वीडियो का बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल अनारकली आ, ये कुर्ता है ये सूट है एक्चुअली ये नीचे आपको ये प्लाजो भी मिल जाएगा इसके प्योर कॉटन है मैंगो येलो कलर है व्हाइट कलर के इसके साथ यू you नो know, प्रिंट सा किया हुआ है एंड गले में थोड़ा सा पॉम पॉम का डिजाइन है ओवरऑल पीस मुझे काफी पसंद आया तो मेरा मन कर रहा था कि चलो मैं इसके साथ कुछ सिंपल वाला सोबर वाला मैंगो येलो सा लुक करती हूं आई मेकअप लुक तो सबसे पहले गाइस मैंने यहां पे यूज किया है एस्टल ऑर्डर का ये फेस वॉश क्लेंजर है ये ये आपके आ, फेस वॉश का, का काम करेगा ये आपके मेकअप रिमूवर का, का, का काम करेगा ये आपके टोनर का भी काम करेगा थ्री इन वन ये वाला प्रोडक्ट है अभी अभी मैंने ये एस्ट ऑर्डर के तीन प्रोडक्ट्स यूज किए थे अपने स्किन के रूटीन की थी ये वही वही ली क्लिप है जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड की है लास्ट वीडियो आप देख लेना ये सेम वीडियो थी तो मैंने इसको अपने मेकअप वाले में भी इंक्लूड कर लिया फिर यहाँ पे मैं एस्टल ऑर्डर का ये सीरम यूज़ करी हूँ ये नाइट रिपेयर सीरम आप इसको डे टाइम भी यूज़ कर सकते हो नाइट टाइम भी आप इसको यूज़ कर सकते हो सीरम अप्लाई करते समय आज मैं थोड़ी सी हार्ट वाली टेक्निक यूज कर रही थी नोज से लेके आपने चिन तक अप्लाई करना है डिटेल में देखना है तो वो बोली आप ज, वीडियो जरूर देख लेना एंड स्किन काफी अच्छी लग रही थी यार ये वाला सीरम अप्लाई करके और ये जो इनका मॉइस्चराइजर है काफी पसंद आया मुझे एस पी के साथ आपको मिल जाएगा और uh, मॉइस्चराइजेशन भी काफी अच्छी तरह से करा था मतलब मेरी स्किन ना काफी हाइड्रेटेड और ग्लोई लग रही थी एकदम फ्रेश लग रही थी आप खुद अभी देख लेना एंड आपको ये वाले कर्टन्स uh, के साथ ये ग्रे वाला जो मैंने पीछे कर्टन अपना लगाया है नया थोड़ा सा बैकग्राउंड किया कैसा लग रहा है ये वाला मेकअप लुक प्लीज़ कमेंट ऑन जरूर करना काफ़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं कई बार तो मैंने यहाँ पे पर्पल का लिप बाम अप्लाई कर लिया लिप्स को हाइड्रेट uh, करने के लिए मॉइस्चराइज करने के लिए लैकमे एप्सोलूट यहाँ पे मैं ब्लर परफेक्ट प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स आपको मिल जाएंगे तो आप जाके चेकआउट कर लेना जहाँ जहाँ आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो ना गाइज आपने वहाँ वहाँ प्राइमर लगाना होता है अगर आप नेक पे फाउंडेशन अप्लाई करते हो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए तो अपने वहाँ पे भी आपने ये वाला प्राइमर अप्लाई करना है ठीक है फिर मैं यहाँ पे यूज करूंगी लॉरियल का ट्रू मैच फाउंडेशन और मेरा शेड था गोल्डन बेज मैं आपको लिंक डाल दूंगी ना तो वहां से देख लेना जब भी फाउंडेशन यूज करते हो उसको अच्छे से बॉटल को शेक कर लिया करो कहीं थोड़ा बहुत सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं नीचे ना बैठे हो शेक करने के बाद डॉट 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 करके आप अप्लाई करो ये ब्यूटी ब्लेंडर है पूना स्टोर का आपको एमेजोन से मिल जाएगा हमेशा गीला करके उसको एक्सेस वाटर को स्क्वीज आउट करके अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करना होता है फिर मैं यहाँ पे यूज करी हूँ लैकमेन नाइन टू फाइव ये पाउड कॉम्पैक्ट है ये अपने बेस को सेट करूंगी मैं इसी कॉम्पैक्ट के साथ एंड इसको सेट करते ही यू नो बेस मेरा एकदम अच्छा हो गया था एकदम सेट हो गया था हल्का सा मैटिफाई हो गया था फिर मैं यहाँ पे हल्का सा ब्लश अप्लाई कर लूंगी ये मिलानी का ब्लश है जीरो थ्री कोरल हारमोनी इसका शेड है हल्का सा ब्लश अप्लाई करूंगी कोई कॉन्टोर नहीं करूँगी कुछ नहीं करूँगी और ये जो ब्लश है ना इसमें हल्की सी शीन है बट मैं बाद में हाईलाइटर जरूर लगाऊंगी वेट एंड वाइल्ड का ये ब्राउ पैलेट है आप सबको पता है एश ब्राउन इसका शेड है और मैं अपने ब्राउज को सबसे पहले फिल करूंगी बहुत लाइट बहुत लाइट क्योंकि कुछ लोग कॉमेंट करते हैं ना दिया बहुत नेचुरल वाला मेकअप करके दिखाओ हमारे साथ जिसमें ब्राउज आपने बहुत नेचुरली फिल किए होते हैं तो उसके बाद गाइस ये है मेकअप रेवल्यूशन की टैमी एक्स पैलेट उसमें से मैंने ऑरेंज कलर ले लिया बस मैंने इसको अपने पूरे लिड के ऊपर अप्लाई करना है क्रीज़ के ऊपर अप्लाई करना है जस्ट कि ये सिंगल कलर को आपने अच्छी तरह से अप्लाई कर लो ब्लेंड कर लो अच्छी तरह से सेम उसी ऑरेंज कलर को आपने लोअर वाटर लाइन पर भी आपने इसको स्मज करना है और अगर आपके पास ये वाली पैलेट नहीं है तो गाइस कोई भी पैलेट ले लो जिसमें से ऑरेंज कलर हो मैं एक्चुअली गाइस अपने आउटफिट के साथ चल रही थी मुझे इसी आउटफिट के साथ कोई मेकअप लुक करना था तो मैंने अब यहाँ पर येलो कलर लिया आपने देख लिया क्योंकि ऑरेंज और येलो को मिक्स करके एक मैंगो येल्लो सा कलर बन जाएगा तो जहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर अप्लाई किया था बिल्कुल उसके ऊपर मैंने येलो कलर अप्लाई कर लिया लोअर वाटर लाइन पर भी स्मच कर लिया वो वाली क्लिप पता नहीं इसमें इंक्लूड नहीं की मैंने लोअर वाटर लाइन पर भी मैंने येलो कलर को स्मच किया तो देख लो थोड़ा बहुत ना ऑरेंज एंड और येलो मिक्स होकर मेरा आउटफिट जैसा कलर बन गया मैंने यहाँ पे काजल कुजल नहीं लगाया एंगुलर ब्रश लेके ना मैंने ब्लैक कलर को मैट ब्लैक कलर है पाउडर वाला उसके साथ मैंने आईलाइनर की तरह अप्लाई कर लिया जस्ट मैंने इसी के साथ अपना यू नो लाइनर अप्लाई कर लिया बिगनर होना तो वो आपके लिए बहुत इजी वाली टेक्निक है स्टेक वर्ग का मैंने काजल ले लिया, हाँ पे मैं सिंगल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ काजल कीजल अपनी आईज बहुत छोटी और सूनी सुनी से लगती क्योंकि मेरी बहुत छोटी छोटी सी आईज है अगर आप चाहो तो आप काजल को स्कीप भी कर सकते हो बट मुझे ऐसा लगता है कि काजल मेरे लुक को थोड़ा सा इनहैंस कर देता है हल्का सफाई वाला पाउडर ब्रश लेके ना गाइस में पाउडर सा लेके एंगल थोड़ा सा ना थोड़ा सा मैं उसको पॉइंटेड कर रही थी मतलब क्या मैं आपको बोलूँ विंग लाइनर करने की कोशिश कर रही थी कि हल्का सा विंग क्रिएट कर दूं मैं विंग क्रिएट करने से ना आपकी आईज थोड़ी सी लंबी लगती है मे का मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई करूंगी मैं अपनी अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस पे आज हमने बहुत नेचुरल वाला मेकअप लुक करना है तो कोई फॉलसीज नहीं अप्लाई करूंगी तो अच्छी तरह से थोड़ा सा मैं मस्कारा को अप्लाई कर लूंगी वैसे मेरा मन था मैं इससे पहले ना अपने लैशेज को कर्ल करूँ पर मुझे लैश कर्लर मिल ही नहीं रहा था एनीवेज so यहां पे मैं वटन वाइल्ड का ये मेगा ग्लो हाइलाइटर यूज कर रही हूं मेरा शेड प्रेशियस पेटल्स हल्का-हल्का सा हाइलाइटर अप्लाई करूंगी बहुत लाइट सा अपने मैं चीक बोन्स के ऊपर हाइलाइटर अप्लाई करूंगी ब्रिज ऑफ द नोज़ के ऊपर क्यूपिट्स बो के ऊपर चिन एरिया पे मैं अपना हाइलाइटर अप्लाई करूंगी बहुत लाइट आज मैंने मेकअप किया है तो हाइलाइटर भी हम बहुत लाइट सा करेंगे क्योंकि जिस समरी सी कुर्ती है समर वाला मेकअप लुक है आप चाहो तो आप हाइलाइटर को स्किप कर सकते हो बट मुझे तो अपना गाइस लुक कंप्लीट करना था ना तो मैंने यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई कर लिया अपने ब्राउ बोन पे और आईज के कारनर पे हल्का हल्का सा जहाँ पे आपको ज्यादा लगता है ना हाईलाइटर लगे फिंगर्स के साथ आप उसी समय उसको ब्लेंड कर लो तो वो बैलेंस हो जाएगा ये लॉरियल पेरिस के रोज सिग्नेचर लिक्विड लिपस्टिक है वन थ्री जीरो इसका शेड है और आ, इसके साथ में लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी इसका जो फॉर्मूला है ना ये डेमी मैट फार्मूला मतलब पूरी तरह मैट नहीं होता है बट मैं इसको टॉप अप करूंगी आ, कलर बार के ग्लॉस के साथ पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था ग्लॉस अप्लाई करने का आज तो ये कलर बार का ग्लॉस ये कलर बार ने मुझे खुद ही सेंड किया था मैंने एक बार कलर बार के साथ उन्होंने मेरे साथ किया था तो काफी सारे अपने मेकअप प्रोडक्ट सेंड किए थे तो ये, ये वाला ग्लॉस मैं अप्लाई कर लूंगी इसे क्या होगा ना थोड़ा सा कलर का टोन भी चेंज हो जाएगा बहुत ब्राउन ब्राउन सा लग रहा था अब ये बिल्कुल टोन ना मेरे मेकअप के साथ थोड़ा सा जा रहा था आई थिंक हेयर स्टाइल मैंने कुछ नहीं किया बहुत सिंपल सटल रखा है मैंने जस्ट ब्लैक बिंदी ऐड कर ली है सेंटर पार्टीशन कर लिया है रफली सा और इयर डाल लिए हैं इयर हैं है मीशो के ना छोटे छोटे से पर्ल्स हैं तो जो मेरे गले में वो थोड़ा सा पॉम पॉम से लगे ना वो बोले पर्ल्स और पॉम पॉम बिल्कुल मैच मैच लग रहे थे तो बस मैंने ये फर्स्ट टाइम ईयरिंग्स डाले थे फर्स्ट टाइम ये आउटफिट डाला था होप आपको पसंद आई ये वाला मेकअप लुक सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड या निक्स का सेटिंग स्प्रे क्योंकि जब भी सारा आप मेकअप करो चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो सेटिंग स्प्रे आप जरूर क्या करो ये जो सेटिंग स्प्रे ये डुई वाला सेटिंग स्प्रे है आपको निक्स का मैट मैट फिनिश वाला भी सेटिंग स्प्रे मिल जाएगा आप जरूर ट्राई कर लेना गुड वाइब्स के यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी जेल बॉडी लोशन लिया है नेल्स कुछ नहीं लगाने लगी मैं नेल पॉलिश नहीं लगाने लगी क्योंकि मुझे जस्ट कपड़ों का ट्राई ऑन करना है तो नेल्स को संभाल संभाल के काम होता नहीं है बट हाँ अच्छी तरह से अपने हैंड्स को वॉश करके मॉइस्चराइज आप जरूर कर लो गुड वाइब्स का जेल बॉडी लोशन बहुत सही वाला प्रोडक्ट है कॉन्टिन्यूसली मैं इसको यूज कर रही हूँ काफ़ी पसंद आया मुझे एंड या yeah, यही है गाइज आज का मेकअप लुक बहुत सिंपल सटल वाला बहुत जल्दी किया था वैसे मैंने इस लुक को क्योंकि मुझे अपनी वीडियो खत्म करनी थी मुझे अपनी वीडियो शूट करनी थी तो आपने देखा वीडियो भी आज बहुत छोटी सी बनाई है मैंने एंड uh, अभी देखती हूँ टाइम लगता है तो दो चार इंस्टा रील जाके बनाऊंगी कुछ अगर समझ आया तो बाकी चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस ओके वंस अगेन एट द एंड ऑफ द वीडियो थोड़ा सा आउटफिट मैं दिखाऊं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मैं पूरा अपना आउटफिट अगर डाला ही है अगर आपने ड्रेसअप होकर तो थोड़ा सा उठ के दिखाने में क्या प्रॉब्लम है <laughs> मतलब मुझे अच्छा लगता है कि चलो पूरा आउटफिट दिखा दें अगर किसी कोई आउटफिट पसंद आ रहा है तो वो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई थिंक दिस वन इज फ्रॉम फ्लिपकार्ट तो या yeah, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस टिल देन बाय बाय लव यू और इसी वाले मेकअप लुक और इसी आउटफिट में बहुत सारी भैया आप लोग वीडियोस देखने वाले हो चार पांच तो देख ही लोगे नहीं चार पांच हाँ तीन चार चलो फिर बाय बाय लव